Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 156 and we are going to talk about that how can we handle disappointment and regret. Remember that during the negotiation, disappointment, regret, anger, anxiety, all such things are going to cause us problem. For this problem to overcome, karne ke liye, there are certain things that we have to bear in our mind.

When an individual feels wronged. जब आपको यह लगे कि आपको धोखा दिया जा रहा है या आपके साथ कोई ऐसा मामला हो रहा है इज़ नॉट तो उस वक्त आपका एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट दीज आर द व्हिच वुड फिनोमिनाज विच प्लेस। उस वक्त याद रखें कि अपने आप को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट थिंगस्टेंड के मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव आपके एक्सप्रेशन को एक डिफरेंट तासुर दे सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि इफ आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू या हम ये कहें आई एम वेरी एंग्री विद यू इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमें यह तासुर मिलता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग एंड

अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आपकी निगोसिएशन के दौरान उस वक्त भी आ जाती है जब हम प्रोसेस को स्पीड अप करने की बात वो करते हैं बिकॉज जब प्रोसेस स्पीड अप होगा एक एक हरी आप क्रिएट करोगे इन्वायरमेंट ऑफ हरी ने सब क्रिएट करोगे अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो उस अर्जेंसी की वजह से द पीपल बिकम

अब हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा रिग्रेट हमारा पछतावा वो हमारी डिसअपॉइंटमेंट को अगर लीड कर रहा है तो वट आर द ट्रिगर्स आर द थिंग्स और हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस मकसद के लिए आपका ऑथर सर्टन एडवाइज वो हमें देता है फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट वन वे टू रिड्यूस दोटेंशियल फॉर रिग्रेट इज टू आस क्वेश्चन विदाउटिटेशन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए सवाल पूछे एनदर थिंग इज दिल्ड निगोशिएटर्स

Another thing is that preparation is key to success in negotiations. Use the given questions and tips to plan ahead of each stage of the negotiation. अब हमारे पास कुछ stages हैं जिसमें के आपको अपने आप को कुछ सवाल पूछने हैं और साथ आपका author आपको, आपको बताता है कि आपको क्या बातें remember करनी हैं. For example, during the build-up stage, during the negotiation, what you have to ask to yourself,

ओके okay? तो आपको तमाम ये बातें समझ में आएंगी कि ये तमाम इकदाम करने से आप अपनी एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट रिग्रेट इन सब को ओवरकम वो कर सकते हो लाइक ड्यूरिंग द मेन इवेंट फ्यू क्वेश्चन दैट यू हैव टू टू आस्क सेल्फ वट थिंग्स कुड हैपन दैट वुड मेक मी फील एंग्री वट थिंग्स माइट आई डू टू मेक द अदर पर्सन ट्रिगर और माई सेल्फ ट्रिगर टू गेट माई काउंटर पार्ट फील एंग्री तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें कि आप एहसास कर रहे हो कि वो कौन सी बात अगले शख्स को या आपको ट्रिगर वो कर सकती है उस वक्त आपको क्या रिमेंबर करना है बी केयरफुल अबाउट एक्सप्रेसिंग एंगर इट मे एक्सट्रैक्ट कॉन्शियस बट हार्म द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ओके सो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर फोकस वो जरूर करना चाहिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के अवॉइड एंगरिंग योर काउंटर पार्ट्स दैट आर लाइकली टू वॉक और टॉक अवे

हमने अभी देखा कि किस तरीके से आप अपने आप को कुछ सवाल पूछते हो और साथ जहन में ये बात रिमेंबर करते हो कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एंगजाइटी को फ्रस्ट्रेशन को डिसअपॉइंटमेंट को रिग्रेट को एंगर को इन चीज़ों को निगोसिएशन टाइम से बाहर निकाल सकें द मेन रीज़न इज कि हमें खुद भी जीतना है और हमें अपने काउंटर पार्ट को भी यह तासुर देना है कि दे आर ऑल्सो हैविंग गुड शेयर डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि जज्बात को कंट्रोल करना ड्यूरिंग नेगोशिएशन वो बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम अपने काउंटर पार्ट के साथ अपने पार्टनर के साथ अपने स्टेक होल्डर के साथ एक विन विन रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकेंगे थैंक यू